क्यों पिता को झूठा ठहराने पर तुले हैं रविंद्र जडेजा, घर घर की कहानी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और उनके पिता के बीच संबंध कुछ अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे, और हैरानी की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी खुद रविंद्र जडेजा उनके पिता अनिरुद्ध जडेजा ने दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से क्रिकेटर के पिता का एक कथित बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और बहू रिवाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ने भी पिता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गुरुवार को 15 साल पूरे करने वाले जडेजा ने उनके पिता के कथित बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी है। उन्होंने पिता के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें बेतुका बताया है। आपको बता दें कि जडेजा के पिता ने अपने बेटे और अपनी बहू यानी कि बीजेपी विधायक रिवाबा के संबंध में बात करते हुए कहा कि दोनों के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं है, वो पिछले 5 सालों से अकेले ही रहते हैं। इसके जवाब में जडेजा ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पिता के बयान को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मेरे पिता ने इंटरव्यू में जो भी बातें कही हैं वो बेतुकी हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, मैं इन सभी बातों को अस्वीकार करता हूं। उन्होंने जो भी कहा वो एक तरफा बातें हैं, उन्होंने अपनी बातें तो रख दी लेकिन दूसरे पक्ष का कुछ भी सामने नहीं रखा है, वो तमाम बातें बेबुनियाद हैं। मेरे पिता ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मेरे पास भी कहने के लिए काफी कुछ है लेकिन मैं इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। आपको बता दें कि 2005 में रसोई में आग लगने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जडेजा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। जब वो घर आए और उन्होंने सब देखा तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। उस वक्त जडेजा सिर्फ 16 साल के थे और उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया था। लेकिन इसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि उनकी माँ ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। अब हाल ही में चल रहे भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जडेजा टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। चोट की वजह से उन्हें विशाखापट्टनम में खेले गए मैचों में आराम दिया गया था। वहीं जडेजा ने पहले मैच में कुल 5 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार 87 रनों की पारी खेली थी। वहीं दूसरी पारी में वो 6 रन बनाकर नाबाद रहे थे। हालांकि भारत इस मुकाबले को 28 रन से हार गया था, लेकिन अब बाकी के 3 मैचों के स्क्वाड में रविंद्र जडेजा का नाम शामिल किया गया है। अब इन 3 टेस्ट मैचों में वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। वैसे जडेजा और उनके पिता के संबंध को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।